हैदर की मेरी भाषा गलत भी है आपने तुमको, सुन कोई नहीं ली, देख रहा है, पूरी हैदर दुनिया देख रहा तलाक है के ऊपर तुमको, भी कुछ कौन नहीं सही कहना है चाह कौन रहे हैं। गलत है, तो सीमा सवाल ऐसे में, ये अपना भविष्य आप बिल्कुल कहाँ नहीं, देख रही हैं? हैदर के होते हुए अभी की मेरा शादी भविष्य इंडिया में मान्य है, होगी या भविष्य नहीं इंडिया होगी, में वो कानून सम्मत चीज है, वहां से राय होगी, लेकिन अभी होगी फिलहाल आप मैम, भविष्य कहाँ देख पा रही हैं? मेरा भविष्य अभी तो कुछ भी नहीं है मैम, पर मेरा भविष्य अगर होगा भी तो भारत में होगा, पाकिस्तान में नहीं है। दूसरी बात हैदर की मैं पत्नी नहीं हूँ, जब से मैं हिंदू धर्म में हूँ तो हमारा कोई निकाह है ही नहीं, वो तो टूट ही चुका, यहाँ इस धर्म में हाँ आते अच्छा, हमारा निकाह तो टूट ही चुका। अगर ये कहते हैं कि निकाह में है, निकाह निकाह के ऊपर में निकाह हिंदू निकाह धर्म टूट है गया नहीं, तो है, तू कहाँ पे कर रहे निकाह हैं? तो है ही नहीं, हाँ हिंदू धर्म में निकाह निकाह तो है ही है, नहीं, हिंदू धर्म हो, वही तो मैं तुमको मुस्लिम कह रही धर्म हो, हूँ। हम हिंदू भाइयों से पूछो, हिंदू बहनों से पूछो, इस टाइम पूरी दुनिया में लाइव देख रहे हैं कि एक औरत झूठ बोल के बोलता है मुझे 3 तलाक हो रहा है, आप मुझे दूसरी शादी कराओ, ऐसा कोई है दुनिया में? कहीं भी किस किताब में तो है आप दे दो, कि आप दे आप दो, झूठ बोल रहे हो, आप सरासर दे गलत कह दो, रहे हो, आप किसी को भी नहीं पता हो, तुम बोले मैं जुर्मदार हूँ, मुझे सजा होना चाहिए, पाकिस्तान को मैंने छोड़ा था, हाँ पाकिस्तान ने आपको पोला पाशा बिल्कुल बड़ा मैंने किया, पूरी छोड़ा है जिंदगी दी, 2 महीने की गुलाम। पबजी की गेम जो है ना, इसको गुलाम एक चीज पाकिस्तान भूल बताइए, गया सुनिए है मेरी ना, बात अभी गुलाम, इसको एक भारत अच्छा सेकंड होने लग गया, 2 महीने गुलाम, तीन सुनिए महीने तो की गेम मेरी चल बात रही सुनो, है, बुराई नहीं सज्जन कर रही, इसको अच्छा ये लग तो गया, लोगों की कह रही इसको है, ये अपनी तुम नवाब लोगों की की बात कब्र याद याद है, है, ना नवाब माँ की की कब्र कब्र याद याद है, है, आप बार ना बार अगर माँ ये की बोल कब्र रहे याद हैं है, कि ये चल रही हमारा है हमारी तलाक मदरसे हुआ की, नहीं है, तो तुम्हारी क्या मदरसे से ऐसी बाहर भी स्थिति हो में, जाओगे? सुनिए मेरी बात, 1 मिनट गुलाम सुनिए, जी आपको लगता है कि आपके रिश्ते जी अगर मैम, मैं आप आपको चाहेंगे दोबारा भी याद तो दिलाऊंगी, पहले जैसे सीमा जी के साथ हो पाएंगे? क्या वो रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा? और अगर वो नहीं हो पाएगा, अगर अपनी राहें अलग करने की बात आ रही है, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, उन्हें आगे अरे बढ़ने दे, वो क्या ये एक आप नहीं कानून सोच के सकते तहत हैं? पाकिस्तान में बैठ के बिल्कुल ये कुछ मैम, भी कर सकता था, पाकिस्तान के कानून के दायरे खुले हुए थे, इसको नहीं रहना था तो मैं सऊदी में था, ये जाके तो आप भी हो रिपोर्ट दर्ज सकते हैं करवाता है तो फिर पागल, मुझे खुलना ये तो आप चाहिए भी हो या मुझे सकते तलाक हैं, चाहिए, इसने कभी ऐसा किया? मैं तो सऊदीया में रह रहा था, इसको जो अलादगी अख्तियार करना था ये जाता तो था, तुम तो मैं कोर्टें छोड़ खुली दो, हुई थी, अदालतें खुली हुई थी, ये कभी गया पूछो इनसे, कभी गया? जब इतने तक ये आ सकता है, भारत तक आ सकता है, तो ये कोर्ट तक नहीं जा सकता था, कराची में शहर में रह रहा था, खुद बता रहे, हाँ ये कभी गया बिल्कुल पूछो इससे, कभी गया तू? कभी सीमा, खुला जेल हैदर लिया? हैदर की कभी बात इसका बाजी जवाब में यहाँ दिया है पर, तो मैं आप तुम मेरे भारत में तक आओ, आ कभी सकती तुम हैं, लोग आप कहीं अपनी बिल्कुल जमीन मैम, मैं जायदाद इसका बेच जवाब सकती हैं, दूंगी जी इतना मैम, इतना बड़ा कलेजा रख सकती हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप भारत आ जाएं, तो फिर हैदर यही कह रहे हैं कि यहाँ हाँ आने के जरूर पहले आपको भाई एक बार वहां की भी कोर्ट जाना चाहिए था, आप किसी के पास गई, किसी की मदद ली आपने? मैम, आप अगर मैं पूछो किसी ना की इसे मदद भी, लेती या मैं आवाज इनसे एकदम ऐसे बात साफ होना करती चाहिए, कि मैं क्या इनको कोई छोड़ के इंसान किसी और है को जो पसंद जेल में करती नहीं हूँ फेंकेंगे तो मैं भाई, जिंदा नहीं रहती बात मैम। तो दोनों की सुना वहां चाहिए, का पूछा इनसे, क्या तुम्हारे बलोचे में काला काली का रवाज नहीं है? वे क्यों फिर नहीं काला बोलने दे काली रहा कहाँ मुझे से कि काला आया? काली का तू तो मुझे काला काली काली तो करार भाई नहीं, करके तुम्हें मार दिया क्या जाएगा। होता है सीमा? तो मैं शहर जो जिस बात तरह है से वही आपने कह रही तलाक हूँ कि आप लिया, जरा शहर में दर्शकों रह को रहा था, समझाइए देहात कि क्या में है। कहा वो ये है मैम, जैसे मैं सचिन को पसंद करती हूँ, हैदर की पत्नी हूँ, अगर मैं हैदर को छोड़ती हूँ या सचिन के साथ प्यार करती हूँ तो मैं काली हूँ और मुझे मार दिया जाएगा, बलोच कौम में ये सजा है, और इसमें न कानून आएगा न कोई, ये सरदार सजा सिलेक्ट कर चुके हैं, ये इन बलोच कौमों में सजा है, ऐसे कई लड़कियां मर चुकी हैं, ये इनको भी पता है, ये बात कर नहीं कर रहे, ठीक है, और अभी से ऐसा ही पूछो मेरे ना, साथ पुलिस होता मेरे मैं, अगर मोबाइल मैं ये में कभी इंटरव्यू बात दे शो रही, करती कराची में इनके शहर बारे में रह में। रहा था, अकेला रह रहा था, यानी कि पुलिस इसके स्टेशन कहीं अलावा भी कभी आपको तुम कोई गया, विकल्प कोई नहीं नजर नजर नहीं आया आया, कि आप वहां शायद से दुबई भाग चला गया, जाएं, आप पूछो हिंदुस्तान आ जाएं, और नहीं उसके लिए मैम, आपने तरीका अपनाया जी गुलाम? मैम, अब सत्य अगर ये है, अगर सच्चाई कल ये हैदर है, वहां सुनिए आ मेरी बात जाता, गुलाम, सुनिए, अब सच ये है कि सीमा पाकिस्तान को छोड़ चुकी है, हिंदुस्तान में आ चुकी है, वो नहीं बार मुझे बार तो यही कह कह रही रही थी है कि तुम मैं भाभी सचिन को की यार, पत्नी हूँ, पहले आप आगे ये क्या जो करना कर है रहे आपको हो ये मैं आप ये बताइए, दूसरा धमकियां, कैसे कर धमकियों रहे के हो, अलावा जब आपने ये क्या सोचा सीमा है आगे भारत करेंगे? आ एक तो आप सकता है, सुनेंगे चाहे नहीं वो तो आप अदालत सवाल में भी भी नहीं जाए, समझ पाएंगे, जवाब भी नहीं, आप एक ही राग, आप सुनिए तो सही गुलाम, आप क्या करेंगे आगे? सीमा भी ये जानना चाहती है, बताइए उनको क्या सोचा है अब आपने? पहले ये सवाल पूछो फिर बात करो, पहले सवाल पूछो, सवाल पूछा है आपसे, आप सुनिए तो सही, क्या आप एक ही बात नहीं रटे उनसे पूछो रुकिए और तो, उनसे सुनिए, कराची जब इतना कदम तू आ सकता है, पासपोर्ट बनवा सकता है, कुछ भी कर सकता है, इतना आबादी बात, 3 टच मोबाइल स्मार्टफोन तुम्हारे पास थे, तुम थोड़ा सा 2 कदम चल के कभी तुमने एक रिपोर्ट दर्ज कराई, मेरे साथ ज्यादती हो रहा है या मुझे खुलना चाहिए, कोई शख्स आता, कोई गवाह, कोई तो भी कैसे फोन पे करती, या कोई तो मैं किसी ने जिंदा कोई ही ना पत्रकार इसको लिख बचती, के दिया कि मैं ये जिंदा ही आया, ना कोई बचती, भी ऐसा कानून है नहीं, अभी जो फंस गया बोल रहा है मुझे तलाक चाहिए, ऐसा कौन इसको तलाक देगा?
देगा सर। आप जब पूछ नहीं रहे हो तो मोबाइल चला रहे हो, आप पूछ सकते हो, तो भारत गैरत पे बात आ जाती है, आ सकते हो, कोई कानून नहीं है कराची में। ये सरदार और वडेरों की बात कर रहे हैं, ये सवाल सीमा से हमने पूछ लिया है, सीमा ने उसका जवाब भी दे दिया है, लेकिन आप चूंकि लगातार बोलते जा रहे हैं इसलिए आप सुन नहीं पा रहे। सीमा ये कह रही है अगर मैं बता देती, अगर मैं किसी की मदद ले लेती तो फिर मैं जिंदा ही नहीं बचती, मैं भारत तक पहुंच ही नहीं पाती। अब आपसे सवाल ये है हैदर, अब आपसे सवाल ये है आप अगला कदम क्या उठाने वाले हैं हैदर, धमकी छोड़ के अगला कदम आपका क्या होगा? अपने मुल्क में खुश है, मैं रिपोर्ट करवाने जाता, मेरा अबू तो इसके साथ आया नहीं, मेरा अम्मी कराची में, वो गांव में था, ये तो अकेला रह रहा था, अपने शहर के भाई थे बस, दो बहन थे, अकेला रह रहा था, पैसा इनको मिल रहा था, हर चीज मिल रहा था, सब कुछ मैं इधर से भेज रहा था, एक ही रिपोर्ट दर्ज करवाते, तलाक का एक पेपर लिखवाते या मुझे बोलते। ठीक है, ये पुरानी बात है ना, होता क्या आप वो बता रहे, ये होता तो वो होता। हैदर आगे आप क्या करने वाले हैं? हैदर आप बच रहे हैं सवाल से, गुलाम हैदर आप बच रहे हैं इस सवाल से, बार बार हम पूछ रहे हैं सीमा भारत में, वो ये कह रही है मैं सचिन के साथ रहूंगी, आपका अगला कदम क्या? इस सवाल से बचिए मत। अभी आ गई है तो ये पुलिस कस्टडी में रखा जाए, इसको सजा होनी चाहिए, इसने क्रिमिनल सजा देने वाले गुलाम हैदर आप और हम तो कोई भी नहीं है। सीमा को सजा होगी या आपको होगी या किसको होगी ये आप और हम नहीं तय कर सकते हैं। आप कानूनी तरीके से आगे बढ़ेंगे फिर कानून तय करता है, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, वो तय करेगा कि किसी के साथ क्या होना है। अब ये आपसे पूछा जा रहा है कि आप आगे क्या करने वाले हैं, इसका आप जवाब नहीं दे पा रहे। सीमा आप मुझे बताइए, क्या सचिन के साथ पूरे परिवार ने आपको अपना लिया है, लेकिन हिंदुस्तान में अभी भी आप अवैध रूप से आई है, इसके लिए क्या कुछ आपने आगे सोचा है, आपको क्या करना है? क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि मैं सरकार से गुहार लगाती हूँ ऐसे तो नहीं चलेगा, कानून कायदे हर मुल्क के होते हैं, हिंदुस्तान के भी है। सीमा बिल्कुल मैम मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, जो मेरा क्राइम है मुझे उसकी सजा मुझे चाहिए, जितनी भी मतलब मुझे जो सजा देंगे, मेरे बगैर वीजा, इसके अलावा मैं, मेरा और कोई क्राइम नहीं है, तो मुझे जो सजा दी जाएगी मुझे मंजूर है, पर मुझे यहाँ रहना है, यहाँ की जेल में रखा जाए, किसी भी कहीं भी रखा जाए, मुझे यहाँ रहना है, मुझे पाकिस्तान नहीं जाना, पाकिस्तान में बहुत खतरा है, जैसे कि आप हैदर की लैंग्वेज सुन रहे हैं, ये फोन पे ऐसे कर रहे हैं, सिर्फ अभी तो इनको ये है कि इनको वापस पाना है, जब वापस पा के मेरे साथ क्या किया जाएगा उसको आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है। लेकिन सीमा आपको क्या ये अंदाजा है, जेल में सही मैं यहाँ रहूंगी, आपको क्या ये अंदाजा है कि धर्म बदल लेने से पुरानी शादी अमान्य नहीं हो जाती? आप इस्लाम से हिंदू धर्म में अगर आ जाएंगी तो आपकी पुरानी शादी रद्द कैसे हो जाएगी? हिंदू धर्म ऐसे होता है मैम, इस्लाम में ऐसा है, इस्लाम में ऐसा ही है मैम, पर मैं रद्द नहीं मानती, मेरे पति है नहीं, फिर भी मैं इनको जब तक ये जब मैं तलाक दिया ही नहीं, जबरदस्ती जाके बोले मैं किसी मौलाना से पूछा जाए। सीमा अब आखिरी में ये बताइए, किसी मौलाना जो बड़े मौलाना है उनसे जाना चाहती है, और अगर गुलाम हैदर ये कहते हैं कि बच्चे तो उनके भी हैं, कस्टडी उनको चाहिए, क्या आप अपने बच्चों के साथ हिंदुस्तान में रहना चाहती है? गुलाम हैदर कहेंगे बच्चे चाहिए तो आप दे देंगे, क्या सोचा है आपने? मैम पहली बात तो बच्चे की मर्जी होगी, जो चारों में से जो बच्चा या चारों बच्चे जाना चाहेंगे मैं मना नहीं करूंगी, पर ये अच्छे बाप हैं नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने दो बच्चों को ना पढ़ाया ना अच्छी जिंदगी दी, तो इन चार को क्या देगा, जब दो का नहीं उठाया तो चार का क्या खाक उठाएंगे। दूसरी बात, अगर बच्चे जाना चाहते हैं मैं अभी भी राजी हूँ, कोई भी बच्चा बड़ा जाए छोटा जाए चारों जाए मैं एग्री हूँ बच्चे की। ठीक है सीमा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुलाम हैदर आप भी जुड़े, बहुत शुक्रिया, लेकिन इतना तय जरूर है कि इस पूरे मसले का हल कानून से ही निकलेगा।